लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपने शहर के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि वो कप और 5,000 रुपए का नगद इनाम इस जंग के विजेता शमशेर सिंह को अपने मुबारक हाथों से दें। बंद करो ये झूठा नारक। जो मार दी गई है वो भी नकली है और जो मार खाई गई है वो भी नकली है। वो कप अब भी आपके सामने धरा है। जिस माइक के लाल में हिम्मत हो वो सामने आए और खुले मैदान में आके शमशेर सिंह को ललकारे। है कोई ऐसा शेरदिल? हाँ है क्यों नहीं? मैं नहीं किसी पर। अरे मैं कोई बॉक्सर हूँ? वो पूरा इंजन का इंजन है, मार के मेरा भरता निकाल देगा। अरे यार बॉक्सर क्या मार के पेट से पैदा होके आता है? बॉक्स मजबूत है, सर मजबूत है, उसी को बॉक्सर कहते हैं। और यार फिर हमारी इज्जत का सवाल है, नाक कट जाएगी। उठ जाओ शेर, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। फिर इस इंजन का बना दूं डब्बा? अरे बना दे डब्बा, एकदम खटारा कर दे। उठ उठ। कमिश्नर साहब, कप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रुपया मैं अपनी तरफ से बांग्लादेश रिलीफ फंड में देता हूं।
वैसे नौजवान तुम काम क्या करते हो? मिस्टर साहब बहुत बड़ा काम करता हूँ आजकल, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ज्वाला प्रसाद जी जी, आप हजारों रुपए का इनाम रख सकते हैं, क्या इस नौजवान को काम नहीं दे सकते? क्यों नहीं मिस्टर साहब, मैं चेयरमैन हूँ बॉक्सिंग का, मैं इस नौजवान को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ, पैसे अच्छे मिलेंगे। देखिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बॉक्सिंग मुझे अच्छी तरह आती भी नहीं, आप मुझे कोई भी दूसरा काम दीजिए मैं करूंगा। ड्राइविंग आती है? जी मैं बेबी ऑस्टन से लेके ट्रक तक चला लेता हूँ। तो ठीक है, कल से तुम मेरे साथ मेरे शोफ बनकर रहो। ठीक, थैंक यू सर। क्या बात है, ये क्या है रजीब, ये कहाँ से आया? समझ लो तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, ये मैंने जीता है बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग? हाँ माँ, यानी के मुक्केबाजी। दशुंग, दशुंग। अरे मुक्केबाजी? बाप रे, बेटे तुमने मारपीट की किसी से? चोट तो नहीं आई? भोली सी माँ, तुम खाम खा डर जाती हो जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ। देखो बेटे, आगे से खेल कभी नहीं खेल, समझे? अच्छा माँ नहीं खेलता। भगवान करे अब तुम्हें अच्छे से नौकरी भी मिल जाए। माँ लगता है तुम्हारे भगवान तुम्हारे बहुत नजदीक रहते हैं, तुम बात बाद में मुंह से निकालती हो वो पहले पूरी कर देते हैं। माँ यहाँ से मुझे ये कप मिला है ना, वहाँ एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। अच्छा? हाँ, कल से तुम्हारा बेटा शहर की सड़कों पर इस धूमधाम से गाड़ी चलाएगा जिस तरह पुराने जमाने में राजे महाराजे रथ चलाया करते थे। मैंने सेठ ज्वाला प्रसाद की नौकरी कर ली है। कौन ज्वाला प्रसाद? माँ उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, JP & Company। सेठ ज्वाला प्रसाद। क्या हुआ माँ? बेटे मैंने सुना है वो अच्छा आदमी नहीं। माँ मालिक अच्छा है या बुरा ये देखकर नौकरी करनी हो तो आदमी को कभी नौकरी ना मिले। माँ नमस्ते। माँ नमस्ते भैया। अरे ये तुम अंग्रेज कब से बन गए? देखो माँ अभी पूरी 4 किताबें अंग्रेजी की नहीं पढ़ी, तुम्हारे पांचों ना भूल गए। चलो माँ के पांचों। जीते रहो बेटे, बड़े बुरे हो। माँ तुम अचानक आए कैसे सुरेश? न दिवाली, न दशहरा, न गर्मी की छुट्टियाँ। दिल उदास हो गया था माँ, तुम्हें मालूम नहीं घर से दूर घर कितना याद आता है। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? क्या है बेटे? मैं अपने कॉलेज के इम्तिहान में अपनी क्लास में फर्स्ट आया। अरे ये भी ना कुछ बात, हमें तुम पे पूरा भरोसा सुरेश। मैं जानता हूँ एक दिन मेरा भाई पूरी यूनिवर्सिटी पूरे प्रोविंस में फर्स्ट आएगा और इस देश का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट या इंजीनियर बनेगा, तब पूरे देश के इस पे नाज होगा। रानी। ओ, आगे मेरी रानी गुड़िया। डैडी मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आज दोपहर को भी खाने पे नहीं आए। बेटी क्या बताऊँ, काम में रुक गया था। बाप रे, काम 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 सारा दिन काम। अच्छा अच्छा बेटे, कल मैं वक्त पे आ जाऊंगा, ठीक है। हाय रे दद्दा रे दद्दा, मर गया रे। हाय रे मेरे सर में दर्द कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम के गोले फूट रहे हैं। अरे डॉक्टर चीखो नहीं। अरे तो तुम क्या गाना गा रहे हो, तुम भी तो चीख रहे हो। मैं डॉक्टर चीख सकता हूँ? लो लो सुन लो, ये डॉक्टर है ये चीख सकते हैं, इनका चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बिन तस्मे का बूट। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया। नर्स नर्स। मारा बाप, ये तो बेहोश हो गया डॉक्टर। नर्स ऐसा लगता है कि आज हम भी बेहोश हो जाएंगे, तुम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। यू आर वेरी नॉटी डॉक्टर। अरे ये दवा खाना है कि पागल खाना है, यहाँ मेरी जान पे बनी जा रही है और वहाँ हंसी ठट्ठे हो रहे हैं। अरे मैं मर गया हूँ, वहाँ वहाँ खड़े गिट-गिट-गिट क्या कर रहे हो डॉक्टर? ये स्टूपिड बहुत किट-किट कर रहा है। अरे ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा दवा मंदिर नहीं है, तुम्हारे टप्पू मारेगा। हाँ अल्लो, अरे अल्लो सुनो, टप्पू मार रही है। अरे जुलुम की हद हो गई रे, मैं चिल्लाऊ भी ना फरियाद भी ना करूं। अरे नर्स की बच्ची तेरे कीड़े पर जा, मैं देख तो सही डॉक्टर के हाथ में कितना बड़ा है। अरे वो इंजेक्शन नहीं है, इसमें सुई नहीं बल्कि सुआ लगा हुआ है तंबू सीने का। अरे अच्छा मैं तुझे तंबू दिखाई दे रहा हूँ सुसरी। अरे तुम तम्बू नहीं है, तुम लंबू है। अरे मेरे लंबू, चलो अभी इंजेक्शन लगाएंगे। हाँ तुम्हारे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, मैं पकड़ती हूँ तुम्हारा हाथ। हाँ मेरे लंबू। शिव शंभू, अरे ये इंजेक्शन है के बंबू, इसमें दवाई की पूरी बाल्टी घुसेड़ दी है क्या? अरे जालिम क्या कर रहा है? स्टूपिड कहेगा, ये पूरा कोर्स 30 इंजेक्शन का है जिसके लिए तुम्हें 30 दिन 30 बार 30 जगह सुई लगानी पड़ती, लेकिन मैं एक ही सुई में तुम्हारा सारा किस्सा खत्म कर दूंगा बेटा। लो लो सुन लो,
मेरा किस्सा ही खत्म कर डाल लिया है। अरे तू डॉक्टर है कि यमराज है? अरे मर गया रे, दोनों ने अकेले में खेल लिया रे। बकवास बंद, नर्स इसे उल्टा करो, सुई लगानी है। अरे उल्टा क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा? अरे 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 डॉक्टर साहब, मुंह क्या देखता है, आंखें बंद करके घुसे हैं, दारू नहीं सुई लगाओ नहीं। डॉक्टर, ए डॉक्टर, पेशेंट मर गया डॉक्टर। वेरी गुड, अब पोस्टमार्टम होगा। हथौड़ी, हथौड़ा। अरे मारा बाप। अच्छा बेटे, देखता हूँ। आ रहा आ रहा। डॉक्टर, पेशेंट बहुत मजबूत है डॉक्टर। धत तेरी की गिरजा, तूने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे अभी अभी मैं कितना बड़ा ऑपरेशन कर रहा था, खोपड़ा फोड़ रहा था मैं ख्वाब में। अरे ख्वाब में ही सही, लेकिन ऑपरेशन तो लाजवाब था। तुम्हारा ऑपरेशन तो अभी मेरे डैडी कर देंगे। क्यों? वो यूं कि जब वो देखेंगे कि उनका कंपाउंडर उनकी कुर्सी पे बैठा है। क्या करेंगे वो, हथौड़े से मेरा सर फोड़ देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। अरे गिरजा, इसमें नुकसान उन्हीं का है। वो क्यों? वो यूं कि मेरे जैसा गधा उन्हें कहां मिलेगा मुफ्त की नौकरी करने वाला। गधे बहुत मिलते हैं दुनिया में। तुम जाओ, जाकर कंपाउंडरी करो जो तुम्हारा काम है। ओके सर। और सुनो, सुनो, आइंदा से इस कुर्सी में बैठने की हिम्मत मत करना, समझे? समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया सर। गोपी डार्लिंग, मैं पूछती हूँ, तनख्वाह मिलती नहीं, ऊपर से डांट पड़ती है, तुम क्यों करते हो, ये क्या नौकरी है? अरे तू क्या छोकरी है, मैं नौकरी के लिए नौकरी थोड़ी करता हूँ, मैं तो छोकरी के लिए नौकरी करता हूँ। गोपी, अरे फंस गया, निकल नहीं, निकल गई, हाँ निकला, आया आया। अरे तुम कहाँ भागे भागे जा रहे? सर आपने वो जो नई नौकरी दिलवाई है, आज पहला दिन है, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जरा दिल लगा कर काम करना। शेष ज्वाला प्रसाद हमारे खास दोस्तों में से हैं। आप फिक्र मत कीजिए कमिश्नर साहब, मैं जी जान लगा कर मेहनत करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड। डैडी, आओ बेटी, आओ आओ बैठो। क्या बात है डैडी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आज मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर लिया। कैसा फैसला? शादी का। ओ डैडी, मैं भी बहुत खुश हूँ। पिंकी और मैं दोनों माँ के प्यार के लिए तरस गए हैं। अरे पगली, मैं अपनी शादी के नहीं, तुम्हारे ब्याह की बात कर रहा था। ओ डैडी, इस फैसले की ऐसी क्या जल्दी है? बेटी तुम्हें नसीब, मुझे तो है। अच्छा डैडी, मेरी सहेलियाँ बाहर वेट कर रही हैं, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं चलूं? हाँ जाओ बेटी जाओ, लेकिन सुनो जल्दी आ जाना। हाँ मुंशी जी, ये लीजिए। अरे क्या मटक मटक के आ रही है। जी हाँ, मैं यहाँ नया ड्राइवर हूँ। ये सब क्या है? चांदनी और मेरे ब्याह के कार्ड। आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद। शाम, मेरी पसंद की बात तो बात की, लेकिन मुझे पहले चांदनी की मस्जिद मालूम होनी चाहिए। और तुम तो जानते हो कि वो नए दौर की लड़की है, उसकी सहेलियां और हैं, उसकी सोसाइटी और है। ओ, तो अब आप सोसाइटी के बारे में सोचने लग पड़े। लेकिन बॉस, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। ना अच्छा देखा ना बुरा, हमेशा आपकी खातिर अपनी जान पर खेल गया। तभी तो इकट्ठे हुए हैं दौलत के ढेर, ये सब भूल गए आप? मैं कुछ नहीं भूला श्याम, तुमको जिस वक्त जितना रुपया चाहिए ले सकते। बॉस, मैंने ये सब रुपए के खातिर नहीं किया, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक ही उम्मीद थी कि आप किसी दिन चांदनी का ब्याह मुझसे करेंगे। देखो शाम,
मैं कोशिश अब भी करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला चांदनी के हाथ। और अगर चांदनी का फैसला मेरे हक में ना हुआ तो क्या मैं उसकी जान ले लूं? जी नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, मैं आपके बिजनेस का भी पार्टनर हूं और आपके राजों का भी। तो तुम भी याद रखो श्याम, तुम मेरे पार्टनर जरूर हो लेकिन जूनियर पार्टनर। श्याम मैं जानता हूं तुम में बंदूक किसी तेजी है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि उस बंदूक को भरता कौन है, उसको चलाता कौन है। ज्वाला प्रसाद, डू यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ बात? आप गए थे हंसते खेलते और आए हैं उदास उदास। उदासी ही की तो बात है, ज्वाला प्रसाद अब ऊंची हवाओं में उड़ने लगा है, अब वो मुझे अपनी बेटी के काबिल नहीं समझता। आप हुक्म कीजिए बॉस, सूरज डूबने से पहले पहले मैं ज्वाला प्रसाद की बेटी को आपके घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कभी सोचना भी नहीं, तू जानता नहीं ज्वाला प्रसाद किस फौलाद का बना है, वो मेरे जैसे लोग बना सकता है और मरवा भी सकता है, तेरा तो साया भी नहीं पहुंचेगा उसके दरवाजे तक। चल बैठ। गाड़ी खराब हो गई है शायद। तुम गाड़ी ठीक करो ड्राइवर, हम अभी आते हैं। आओ चले। आज महीनों बाद मिले, लेकिन मिले कुछ इस तरह जैसे बेगाने हो, एक दूसरे को पहचानते तक ना हो। कहाँ खो गए थे तुम? मैं सचमुच खो गया था, बेकारी की भूल भलाइयों में। आदमी कहीं ऐसा भी खोता है कि सब कुछ भूल जा। तुम्हें शायद ये भी याद नहीं होगा कि कभी हम एक साथ पढ़ते थे। तब की बात और थी, अब तो मैं आपके पिताजी का ड्राइवर हूँ। नहीं दीपक, नहीं, मेरी जिंदगी अभी तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। तुमने मेरी जान बचाई, याद है? शीश महल में है राजकुमारी साहिबा। मैं झील में डूब रही थी। जी नहीं, आप डूब कहाँ रही थी, आप तो तैर रही थी संगे मरमर के बने हुए कीमती और खुशबुओं से महकते हुए तालाब में। राजकुमारी साहिबा, ये गीली साड़ी उतार दीजिए। साड़ी उतार दूँ? पहनूंगी क्या? घबराइए नहीं, आपका लिबास मैंने तैयार कर लिया। ये रहा आपका नाइट सूट, मेरे ख्याल में साइज ठीक रहेगा। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपका पलंग सजा देता हूँ। अरे जाने, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, चलिए चलिए। माँ आ गया बेटे। माँ देखो क्या लाया। क्या है बेटे? खुद ही देख लो ना। साड़ी? बेटा मेरे लिए फजूल पैसे क्यों बर्बाद किए तुमने? मुझे कौन सा मेले में जाना है, ये जाके वापस कर दे और सुरेश के लिए दो कमीजों या एक पतलून का कपड़ा ले। वाह वाह वाह, कोई लाचा है? बेटा वो कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज भी ऐसा कॉलेज जहाँ सब अमीरों और रईसों के बेटे पढ़ते हैं। बस माँ यही तो एतराज है, मुझे पढ़ाया तो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में, उसके लिए कॉन्वेंट स्कूल, अपनी फीस 25 पैसे, उसकी फीस 25 रुपए, और जब कॉलेज की बारी आई अपने लिए धर्म अर्थ कॉलेज, उसके लिए बेस्ट कॉलेज जहाँ फीस इतनी है जितनी एक मामूली ऑफिसर की तनख्वाह होती है। बेटा तुम दोनों में बड़ा फर्क है, तुम एक बेसहारा विधवा के बेटे थे और
तुम्हारे जैसे भाई का छोटा भाई है। ले बेटा वापस कर दे। ये क्या, माँ के कपड़े वापस करके उसके लिए कपड़े लाऊं? अरे माँ तेरे उस लाडले के लिए ऐसे कपड़े लाऊंगा देख के हैरान हो जाएगी। अच्छा। ये देख, दो बुशर्ट एक पैंट, राजेश खन्ना देवानंद ऐसे कपड़े नहीं पहनते। कितना अच्छे कपड़े हैं बेटे, अपने लिए कुछ नहीं लाए? अरे माँ अपनी ये वर्दी अच्छी है ना, और सेठ जी ने कहा है कि सर्दियों में दो गर्म वर्दियां सिलवा के देंगे। जी ओला जी बेटे, भगवान हर घर में ऐसे बेटे। अरे माँ ऐसा कैसा, ऐसी माँ हर घर में दे।